राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान को फल फूल अर्पित करें और सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा पाठ व आरती करें। भगवान विष्णु की अनुकंपा से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। वहीं माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन के भंडार भरेंगे। योगिनी एकादशी व्रत की कथा। मान्यता है कि अलकापुरी में कुबेर नाम के राजा थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करते थे। राजा कुबेर का माली हेम रोज पूजन के लिए फूल लेकर आता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। एक दिन वह फूल लेकर आया, लेकिन पत्नी की सुंदरता के वशीभूत होकर पूजन के फूलों की तरफ में ध्यान न दे सका। उधर राजा पूजा के लिए फूल की प्रतीक्षा करते रहे। जब माली नहीं आया तो राजा ने सैनिकों को उसका पता लगाने के लिए कहा। सैनिक उस माली को राजा के पास लेकर पहुंचे। राजा ने गुस्सा होते हुए हेम को कोड़ी होने का श्राप दिया और पत्नी वियोगी होने का भी श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से हेम माली भटकता रहा और एक दिन दैव योग से मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से उसके दुखी होने का कारण जान लिया। तब उन्होंने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। व्रत के प्रभाव से हेम माली का कोट समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनकर और मनन कर सभी जन पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें।